सो गाइस, काया पलट चुकी है। अलीशार जो है उसके बंदे को उड़ा दिया, उसका गला चीर दिया भाई, डायरेक्ट फोड़ डाला उसको। ये देखना है कि अलीशार की हवेली में जाके कैसे उसका कत्ल करना है अपने को। उसकी गली गली नहीं, उसकी गर्दन उतारने की उसकी गली में उसकी गर्दन उतारेंगे भाई, मजा आने वाला भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अलीशा उसने आयगुल को थप्पड़ मारा तो मारा कैसे? लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरी जान लेने की धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ दे रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने होश में आओ। बंदे हमारे पास भी है भाई, हमारे वर्दी वाले क्या ही करेंगे, देसी है हमारे, देसी पहाड़ में रहने वाले सिपाहियों। यार नीचे कर लो, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। आलिशान सरदारान, आई जिर्गों में तुम्हारी मुदाखलत की वजह से तुमसे खुश नहीं है। एक शख्स को चुनकर एक मुंतखब सरदार के खिलाफ तुमने खूनी बगावत को उभारने की कोशिश की और वो बेचारा अपने ख्वाबों में सोच रहा है कि मेरी बारी आ गई। चूंकि तुर बहुत परेशान और नाराज रहते हैं तो मैंने एक फैसला किया है। बहैसियत एक सांजाक सरदार मैं चावदार सरदार तैनात करूंगा। आलीशार साहब, क्या मेरे मासूम आलीशार, इस सरजमीन को हमने तलवारों से हासिल किया है, एक मंगोल को चावदार सरदार लगाने का क्या मतलब? ये सरजमीन के हाथों की मिल्कियत है, वो किसी से भी मनसब वापस लेकर वही मनसब किसी को भी दे सकता है। आपको क्या लगता है कि इस सरहद के सरदारान उस फैसले को मानेंगे? ये सरहद है आलीशार साहब, सरहद। आपको पता है ये उन सरजमीनों की तरह नहीं है जहां से आप आए हैं। ओउस का कौन सा कबीला उनकी अताअत करेगा? या तो वो अपना सर झुकाएंगे या फिर अपनी गर्दनें कटवाएंगे। मैंने जो कहना था कह दिया। जब गेहातू बजाते खुद तुम्हारे सामने मौजूद होगा तब अपनी ये बकवास उसके सामने पेश करना। तुम अपने गेहातू पर भरोसा करो। अल्लाह पे, हम सिर्फ अल्लाह पर। आ जाओ फिर, अपनी पूरी कोशिश करके देख लो। Yeah!
तुम्हारे आने से अंदाजा हो रहा है कि तुमने बालगाय का ठिकाना तलाश कर लिया है। जी बिल्कुल हुजूर, गोप तो बालगाय के साथ है, इंतजार कर रहे हैं हमारे। माशाल्लाह, मेरा शेर। बिल्कुल हुजूर। लेकिन बालगाय होशियार है, हो सकता है कि वो समझ जाए कि गोप्तुक हमारे लिए काम कर रहा है। एक भेड़िए को कीचड़ के हाथों नहीं मरना चाहिए। तो चलो फिर रवाना होते हैं। चलो या। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। काई कबीले के बारे में आखिरी फैसला कि हाँ तू करेगा, ये थोड़ा सा खूनी होगा लेकिन आखिर में मनसब आपके पास होगी। दुंदार साहब, आप दुरुस्त हैं। आलिशार साहब, दुरुस्त हैं आप। बहुत बेवकूफ है वही दुंदार, सच में। मैं मलिक के बारे में फिक्रमंद हूँ। आलिशार साहब, मर गया मलिक। या तो उन पर घात लगाकर हमला नहीं हुआ, या फिर जो मलिक आपका बेहतरीन शिकारी था उनका शिकार बन गया। अगर उन्होंने उसे जोरबा की तरह पकड़ लिया हुआ तो वो हमारे इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो फिर मैं उन लोगों को तबाह कर दूंगा। हमेशा बोलते रहता है। चलो चल, हम जंगल जाएंगे, मिलकर मलिक का सुराग लगाना है। नहीं, इसको तो हम तो समझते ही नहीं। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं। और कुछ नहीं इसका सिर्फ। इधर देख, डायरेक्ट बलगाय के झुंड में जाके हमला करते हैं लोग। तो बोलते रहे बैठ के, सोच में अपने मनसब पे बैठ के। सिपाहियों, चलो उस तरफ जाओ। हुजूर, कोई आ रहा है। तुम लोग अपनी आंखें खुली रखना, उन्हें हमारी इस जगह का इल्म नहीं होना चाहिए। चलो जाओ। बालगाय ने ग्यातु के एक लश्कर को तबाह कर दिया है और अब वो ग्यातु के खिलाफ लड़ने के लिए बाकियों को तैयार कर रहा है। ग्यातु के सुगुत पहुंचने के बाद बालगाय उसे मार देगा। हुजूर, बिल्कुल जैसा आप चाहते थे। इन्हें आपस में लड़वाने का वक्त आ गया है। अब जरा गौर से सुनना। गेहातु के साथ आने वाला लश्कर बहुत बड़ा है और आपके वफादारों को आपके पास आते हुए दिन लगेंगे। जब गेहातु आएगा तो मैं पहले उसे काइयों के आगे फेंकूंगा। काई बहुत सख्त है। जब गेहातु काइयों के साथ लड़कर उस्मान की नस्ल मिटा रहा होगा तो मेरे कमांडर पहुंच जाएंगे और उनको मार डालेंगे। और उस्मान, अगर आपके पीछे भी दुश्मन हो तो सामने के दुश्मन से लड़ना मुश्किल होता है। अब अगर वो मेरे सामने आया तो ले 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 आ गया सामने ले। बालगाय, मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने नहीं आया। अब मेरी बात गौर से सुनना।
कैसे त्याग करेंगे। क्या तुम उसे कत्ल नहीं करोगे जिसने तुम्हें तीर मारा? मैं तुम जैसे बहादुर कमांडर का साथ चाहता। ओ जो होना था हो गया, उसे छोड़ के अब आगे देखना चाहिए। हमारा एक ही दुश्मन है, इसीलिए यहां आया हूं मैं। क्या तू तुम उससे क्या चाहते हो उस्मान? अगर इत्तेहाद कर लोगे तो तुम मुझे आलीशान दोगे और मैं दूंगा कि हाथों। मजा आने वाला है सच में यार। उस्मान क्या यूज कर रहा? तो इस तरह ये राज राज ही रहेगा। अपने हथियार हटा लो। क्या हम मुट्ठी भर नौकरों के साथ के हाथों के खिलाफ लड़ पाएंगे? मत भूलो ये मेरे पास भी मुट्ठी भर सिपाही। क्या तू लश्कर के साथ आ रहा है? हम मुट्ठी भर सिपाही रेत से बड़ी चट्टान को कैसे तोड़ेंगे? अगर हम दो मुट्ठियों से एक मुट्ठी हो जाए तो के हाथों जरूर खौफजदा हो सकता है। सो गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन कुरलुस ओस्मान। बहुत ज़बरदस्त सीन था ये। बलगाए और ओस्मान फिर से साथ में, भाई इन दोनों लड़ते साथ में होते, फिर लड़ते फिर साथ में होते। ओस्मान भाई अपनी ईगो एटीट्यूड साइड में रख के मस्त दिमाग से खेलता और फिर से ये बलगाए की पुंगी बजाएगा टाइम पे, भाई मज़ा आने वाला है। बट आलीशार की पुंगी जब बलगाए बजाएगा भाई वो देखना है मेरे को यार, क्या मज़ा आने वाला है नेक्स्ट सीन में। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी।